ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। ए, बताइए। ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। सिक्स्थ सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है। इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो। अरविंद, वन सेकंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल हिम। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन करूंगा। कॉल हिम इमीडिएटली। वी हैव टू डील विद दिस वन स्टेप एट अ टाइम। क्या बात है अश्विन? अंकल, मुझे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी का डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। जनरल वार्ड कहाँ है? 3rd फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? फैलने वाली बीमारी, अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो। इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद,
मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ, तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो? सिक्स्थ सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, सिक्स्थ सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओ, फौरन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन से वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओ, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स, एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे। सर, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयाँ बदल देंगे। डॉक्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड डॉक्टर। मेरे पास भी टाइम नहीं है, ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े। डॉक्टर, बीमारी से शहर में अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोकनगर और मयूर विहार में किसी भी अस्पताल में दवाइयां ना होने के कारण वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब ये बीमारी शहर के दूसरे भागों में भी फैल चुकी है। सारा कामकाज ठप हो गया है। The disease spreads like fire. The initial symptoms are red balls on the face. बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए दवाइयां ही नहीं है। इसी वजह से मरीजों इस बीमारी की वजह से शहर में हंगामा फैला हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूरे देश में जैसे कोरोना मचा हुआ है, अब अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अस्पतालों का माहौल है। हमारी कैमरा टीम शहर के कई अस्पतालों में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके